ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चिली गार्लिक मैगी बन करके रेडी है, जिसके ऊपर मैं ये चिली गार्लिक स्प्रेड कर रही हूँ, वो भी टेम्पर के साथ। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और बना पाएँ। और आप देख सकते हैं मैं इसे फोर्क में उठा रही हूँ तो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और एकदम डिलीशियस लग रहा है, माउथ वाटरिंग। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चिली गार्लिक मैगी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैगी लिया है, मैगी के 3 पैकेट लिए थे, उसे मैंने निकाल लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली थी जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एकदम तीखी वाली ली है। उसके बाद थोड़े से मैंने गाजर लिए जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लिया है। 1 छोटा शिमला मिर्च लेकर के उसको मैंने इसे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लिया है। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने गार्लिक लिया यानी कि लहसुन, जिसे मैंने बहुत ही पतला स्लाइस में कट किया है। उसके बाद मैंने पानी लिया है, फिर यहाँ पर मैंने ऑयल में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। दोस्तों आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी इस मैगी की रेसिपी के लिए, आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें और कोई ऑयल यूज़ ना करें। फिर मैंने यहाँ पर नमक लिया है स्वाद के अनुसार। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और उसके साथ जो मैगी का मसाला मिलता है, हमारा मैजिक मसाला, वो हमने लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ सबसे पहले मैं गैस जलाऊंगी और उस पर मैं ये कढ़ाई चढ़ा दूंगी। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा ऑलिव ऑयल डालूंगी और आधा मैं इसे बचा लूंगी। तो इसका क्या करना है इसको बाद में बताऊंगी। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल करके इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मतलब इसे जलाना भी नहीं है, मतलब हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं। जैसे ही ये भुन जाएगा तो इसमें हम गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे भी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। मतलब 80% तक हमारा ये सब्ज़ी भूनना चाहिए। इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक के साथ कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। जब ये हल्का सा ऑयल छोड़ने लगेगा तब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ भी कुछ सेकंड तक हम इसे भूनेंगे। और जब ये भून जाएगा ये सारी चीज़ें, तब इसमें हम पानी डाल देंगे। और नॉर्मली जैसे हम मैगी बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाना। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद ये मैगी का मैंने मसाला डाल दिया जो मैगी के साथ मिलता है और उसे मैंने मिक्स कर दिया। अब बॉईल आ चुका है पानी में, अब इसमें हम मैगी डाल देंगे। और जैसे नॉर्मल मैंने बताया पहले भी, जैसे हम मैगी बनाते हैं वैसे ही मैगी बनाना है। पर इस मैगी को मैं थोड़ा सा सेमी लिक्विड रखूँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ड्राई होने के बाद मैगी मज़ा नहीं आता। तो हल्का सा मैंने देखा है अपने पानी मैंने छोड़ रखा है, तो यहाँ हल्का सा पानी रखा है और यहाँ पे मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। तो मेरी मैगी बन करके रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसका हमें इसका चिली गार्लिक बनाना है। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से फिर मैंने गैस चलाया और गैस चलाने के बाद यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया। पैन में ये सारा ऑलिव ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑलिव ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको हल्का सा ब्राउन यानी क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। मतलब इसको जलाना भी नहीं है दोस्तों, इतना इसको हमें फ्राई करना है जितना इसका टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है और इस तरीके से घुमाते हुए इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल करके अच्छे से घुमा देंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तेल में तो इसमें 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। दोस्तों नमक ध्यान से डालें, क्योंकि तेल में भी हम यहाँ भगार में भी नमक डाल रहे हैं, उसमें भी नमक डाला है, तो नमक ज़्यादा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो नमक अपने हिसाब से डालें। तो हमारा ये चिली गार्लिक का टेम्पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया है मैगी को अपने प्लेट पर, और आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया था ना चिली गार्लिक, इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ऑयल के साथ। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑलिव ऑयल लेने के लिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। तो हमारा ये चिली गार्लिक मैगी बन करके रेडी है और आप देख सकते हैं मैं फोक से मैंने उठा के दिखाया और इसका टेम्पटिंग लुक डिलीशियस इतना ज़्यादा है ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। तो वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी ना चिली गार्लिक मैगी की, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तभी के लिए बाय बाय।